हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 माइक्रोबियल बायो टेक्नोलॉजी का टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर जो हमने पहले कवर किए वो थे सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। आज जो हम कवर करेंगे वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड एज अर्ली एज 1780 बाय स्किल Who found that shoring of milk is due to formation of lactic acid by group of bacteria called lactobacilli. जो lactic acid fermentation है उसको किसने discover किया था? से स्किल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1780 में। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मिल्क के अंदर खट्टापन देखा, मतलब शोरिंग देखी मिल्क के अंदर। और जो ये शोरिंग है ये किसकी वजह से हो रही थी? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड की वजह से दूध के अंदर क्या हो रही थी? शोरिंग हो रही थी। लैक्टिक एसिड बाय ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया डेट इज लैक्टोबैसिलाई, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था बैक्टीरिया वो कौन सा था? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं उनको दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, मतलब दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज होमोलैक्टिक फर्मेंटर्स एंड सेकेंड इज हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं होमोलैक्टिक फर्मेंटर्स। होमोलैक्टिक फर्मेंटर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुस्की, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस कैसेई और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जो लैक्टोबैसिलस डेलब्रुस्की है ये यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज को, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस पाथवे। जो होमोलैक्टिक फर्मेंटर्स हैं ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे। 2 मोल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइज्ड। इसके अंदर क्या करते हैं, जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो 2 मोल किसके प्रोड्यूस्ड होते हैं? ATP के प्रोड्यूस्ड होते हैं। हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लास्ट में आता है पायरुवेट, मतलब 2 पायरुवेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो पायरुवेट है वो एक एरोबिक के अंदर क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है, और एक एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। तो जो एनएरोबिक प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन है वो हम एनोरोबिक प्रोसेस, फर्मेंटेशन को हम एनोरोबिक प्रोसेस बोलते हैं, मतलब ये क्या होती है? ऑक्सीजन के बिना परफॉर्म होती है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड इज हेटरोलैक्टिक फर्मेंटर्स प्रोड्यूस लेस यील्ड्स ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? लेस यील्ड्स ऑफ लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड CO2। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस और लैक्टोबैसिलस पेंटोसिस। जो लैक्टोबैसिलस पेंटोसिस है वो यूटिलाइज करते हैं पेंटोस को। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड बाय एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस विद हाई यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड को बाय एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस विद हाई यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। ऑप्टिमल पीएच रेंज फॉर ग्रोथ, ऑप्टिमल पीएच रेंज है ग्रोथ के लिए वो होती है 3.5 to 9.6, और जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो है 5 to 45 डिग्री सेल्सियस। जो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस है वो यूटिलाइज करते हैं किसको? लैक्टोज को। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लैक्टिक एसिड डिस्कवर्ड बाय सेल इन 1780। जो लैक्टिक एसिड है उसको सेल नाम के साइंटिस्ट ने 1780 में डिस्कवर किया था। इट वाज लेटर नेम्ड एज एसिड लैक्टिक्यू बाय लेवोशियर इन 1789। लेवोशियर नाम के साइंटिस्ट ने 1789 में इसको नाम दिया एसिड लैक्टिक्यू। एवेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू कमर्शियली प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन 1981 इन लिटल टोन MA USA। जो एवेरी हैं वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कमर्शियली लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस किया इन 1981 में। ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल एप्लीकेशन लैक्टिक एसिड इज डीम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बोक्सिल एसिड एंड इट्स इन हाई डिमांड।
अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है. इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है CH3CHOH C डबल बोन COOH. इट इज़ वाइट इन सॉलिड स्टेट एंड इट इज़ मिसिबल इन वाटर. ये सॉलिड स्टेट के अंदर वाइट होता है और ये मिसिबल होता है वाटर के साथ. इन लिक्विड स्टेट कलरलेस सॉल्यूशन. लिक्विड स्टेट के अंदर ये क्या होता है, कलरलेस होता है. इट इज़ नोन इन टू मेन ऑप्टिकली आइसोमर फॉर्म्स, डेट इज एल लैक्टिक फॉर्म और डी इज डी लैक्टिक फॉर्म. एल मतलब लेवर रोटेटरी और डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लेवर रोटेटरी फॉर्म ऑप्टेन बाई बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज. जो लेवर रोटेटरी फॉर्म है उसको हम ऑप्टेन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज. और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है इज प्रजेंट नॉर्मली इन ब्लड एंड मसल टिश्यू एज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनरोबिक मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन. जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है वो हमें नॉर्मली मिलती है ब्लड और मसल टिश्यू के अंदर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द एनरोबिक मेटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन. अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ लैक्टिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड है उसको हम फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं एज ए पीएच रेगुलेटर, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स और एसिडुलेट्स. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डायलिसिस सॉल्यूशंस के लिए. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हम लैक्टिक एसिड को यूज़ करते हैं एज ए मॉइस्चराइजर, एंटी एक्ने और एंटी एजिंग. केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लैक्टिक एसिड को यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रलाइजर, क्लीनिंग एजेंट और पीएच रेगुलेटर के जैसे. टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी हम क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को यूज़ करते हैं. रॉ मटेरियल्स, अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स. स्टार्च मटेरियल सच एज कॉर्न, पोटैटो, राइस. स्टार्ची मटेरियल हैव अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंक ग्लूकोज इन द स्ट्रक्चर. जो स्टार्च मटेरियल है जैसे कि कॉर्न, पोटैटो, राइस, उनको हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करते हैं. और इनके अंदर जो लिंकेज प्रेजेंट होती है वो है अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सेलुलोज मटेरियल सच एज वुड हैव बिट ऑफ 1,4 लिंक ग्लूकोन, अरेबियन, गैलेक्टिन एंड लाइजाइलिन. जो सेलुलोज मटेरियल है जैसे कि वुड, इसको भी हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करते हैं. इसके अंदर जो लिंकेज है वो है बीटा 1,4 लिंकेज. एग्रीकल्चर रेजिड्यूज सच एज कॉर्न, कसावा बगास, बीट मोलेसिस, शुगर कैन प्रेस मर्ड, कॉर्न स्टेप लेकर एंड कैरेट वेस्ट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. मोलेसिस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रोज एज इट इज़ ए बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इनको भी हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज़ हैं उनको भी हम रॉ मटेरियल के जैसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं उनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है. वे कंटेन लैक्टोज, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सोल्ट्स एज इट इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज. अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, डेट इज़ बैक्टीरिया, फंजाई एंड यीस्ट. बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़े होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन और हेटरोलैक्टिक फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरिया हैं उनको चार के अंदर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इकोलाई, कॉर्निबैक्टीरियम ग्लूटामिकम और बैसिलस स्टेन्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं फंजाई. एडवांटेज ऑफ फंजाई फर्मेंटेशन ओवर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इंक्लूड्स लो कॉस्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है उसकी क्या होती है, कॉस्ट कम होती है. न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके अंदर कम होती है. फॉर्मेशन ऑफ फंगल बायोमास विच इज़ एन इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट. जो फंगल बायोमास है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट बायो प्रोडक्ट है. फंगल फर्मेंटेशन यूज केमिकली डिफाइंड मीडियम एंड सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज सिंपल. जो फंगल फर्मेंटेशन है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो केमिकली डिफाइंड मीडियम को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो प्योरिफिकेशन है प्रोडक्ट्स की वो क्या होती है, सिंपल होती है. दिस इज़ ए मेजर एडवांटेज इन फूड इंडस्ट्री. ये क्या है, एक मेजर एडवांटेज है फूड इंडस्ट्री के लिए. द ऑर्गेनिज्म ऑफ जीनस राइजोपस आर डीम्ड एज द बेस्ट फंगल सोर्स फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाय फंगल फर्मेंटेशन राइजोपस. जो राइजोपस है वो एक बेस्ट फंगल सोर्स माना गया है फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाय फंगल फर्मेंटेशन राइजोपस. विद देयर अमाइलोलिटिक एक्टिविटी कैन कन्वर्ट
स्टार्च इनटू लैक्टिक एसिड। इनके अंदर क्या होती है, जो राइजोपस है उसके अंदर अमाइलोलिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड के अंदर। मतलब अमाइलोलिटिक एक्टिविटी मतलब हमें पता है स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके अंदर क्या होती है अमाइलोलिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब जो अमाइलेज एंजाइम है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती है और कन्वर्ट कर देती है लैक्टिक एसिड के अंदर। बिसाइड राइजोपस लाइक अदर फंजाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ जीनस मोनिलिया एंड म्यूकर आर ऑल्सो यूज इन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। जो मोनिलिया और म्यूकर है उनको भी हम क्या करते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाई फंजाई इज डैट द लैक्टिक एसिड यील्ड इज रिड्यूस्ड एज द कार्बन इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट इथेनॉल एंड फ्यूमरिक एसिड बिसाइड्स लैक्टिक एसिड्स। इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, मतलब जो लैक्टिक एसिड की जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब हम कार्बन को क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट। तो जो लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। अब हम देखते हैं यीस्ट। द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग यीस्ट इंक्लूड देयर टॉलरेंस अगेंस्ट लो पीएच, पीएच इज 1.5, दस देयर इज नो नीड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय न्यूट्रलाइजिंग एजेंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। देयर एबिलिटी टू ग्रो इन मिनिमल मिनरल मीडिया। The yeast of species Saccharomyces conidia, Gigrosaccharomyces and Pichia are generally modified to produce high yield of lactic acid. Yeast को जिनको हम use करते हैं वो है Saccharomyces conidia, Gigrosaccharomyces और Pichia। इसको हम क्या करते हैं generally modify करते हैं for किसको produce करने के लिए, high yield lactic acid को produce करने के लिए। अब हम देखते हैं fermentation conditions, जो temperature है वो कितना होना चाहिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज कैरियड आउट एट कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस। जो पीएच है, पीएच इज ऑन द एसिड साइड इज न्यूट्रलिटी। शुगर कंसेंट्रेशन इन मैशेज इज नॉर्मली एडजस्ट टू ए कंसेंट्रेशन 5-20% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंडीशन ऑफ द प्रोसेस। जो ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इंडिविजुअली आर माइक्रो एरोफिलिक और एनएरोबिक इन नेचर। माइक्रो एरोफिलिक्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की, मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम अमाउंट में होती है, और एनएरोबिक वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। शुगर के अंदर क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस से शुगर क्या होगी, कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट के अंदर, मतलब जो ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट के अंदर। पाइरुवेट के अंदर क्या हुई, फर्मेंटेशन हुई और वो कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड के अंदर। जैसे कि हमें पता है जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद फ्रेक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रेक्टोज 1-6-फॉस्फेट, फिर ग्लिसरहाल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसके बाद किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोफ्रेक्टोकाइनेज के अंदर, और फिर उसके बाद 2-फॉस्फोफ्रेक्टोज के अंदर होता है, फिर क्या होता है 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर, और जब उसके बाद क्या होता है 2-पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये 2-पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो ये पाइरुवेट है ये दो प्रोसेसेस के अंदर एंटर करता है, वन इज एरोबिक प्रोसेस एंड वन इज एनएरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनएरोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए जो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट करता है एनएरोबिक प्रोसेस के अंदर, और क्या कर लेता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से लैक्टिक एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं फर्मेंटेशन अप्रोच। वेरियस फर्मेंटेशन अप्रोचेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इंक्लूड्स, फर्स्ट इज बैच, सेकंड इज फेड बैच एंड थर्ड इज कंटीन्यूअस फर्मेंटेशन। वेरियस अदर प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय केमिकल सिंथेसिस इंक्लूड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। बट नन ऑफ द केमिकल सिंथेसिस प्रोसेसेस आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली फीजिबल। लेकिन हम जो केमिकल सिंथेसिस प्रोसेसेस को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या नहीं है, इकोनॉमिकली और
टेक्निकली क्या नहीं है, फिजिबल नहीं है। द मेजर एडवांटेज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस ओवर केमिकल सिंथेसिस इज डेट ऑफ रिक्वायर चीप रॉ मटेरियल लाइक स्टार्ची वेस्ट मोलेसिस एंड अदर मटेरियल रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसके जो एडवांटेजेस हैं, मतलब जो केमिकल सिंथेसिस है उससे ज़्यादा क्या है एडवांटेजेस हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस की, एक तो ये चीप होती है और इसको रॉ मटेरियल्स जैसे कि इनकी ज़रूरत होती है, जो चीप रॉ मटेरियल्स हैं इनकी ज़रूरत होती है जैसे कि स्टार्ची वेस्ट मोलेसिस एंड अदर मटेरियल्स जो कि रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा एग्रीकल्चर वेस्टेज को भी ये यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं बैच फर्मेंटेशन। At the beginning of the fermentation process, all the required material such as nitrogen source, carbon source and other components are added. मतलब जो fermentation के process है उसके शुरुआत में ही हम क्या करेंगे, जितने भी required materials हैं जैसे कि nitrogen, carbon और other components, उनको हम क्या कर देंगे, add कर देंगे। बैच fermentation is mainly of two types। जो बैच fermentation है वो mainly दो type का होता है। फर्स्ट इज सोलिड स्टेट फर्मेंटेशन, सेकेंड इज सेपरेट हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं सोलिड स्टेट फर्मेंटेशन। इज ए प्रोसेस डेट अक्कर विद नो वाटर और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर। जो सोलिड स्टेट फर्मेंटेशन है वो बिना वाटर के भी हो सकता है और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर में भी हो सकता है। नेचुरल रॉ मटेरियल सच एज व्हीट ब्रान, बार्ले, फ्रूट पल्प आर यूज्ड एज ए कार्बन सोर्स इन दिस प्रोसेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि व्हीट ब्रान, बार्ले और फ्रूट पल्प्स को हम यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलिड स्टेट फर्मेंटेशन मेथड विच इंक्लूड हाई प्रोडक्टिविटी, सिंगल रिएक्शन वेसल्स एंड रैपिड प्रोसेसिंग टाइम। इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी और सिंगल रिएक्शन वेसल्स एंड रैपिड प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं सेपरेट हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन विच रॉ मटेरियल आर प्री ट्रीटेड एंड द अननेसेसरी कंपाउंड्स आर एलिमिनेटेड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको हम प्री ट्रीटेड करते हैं और जो अननेसेसरी कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इन द केस ऑफ लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास लिग्निन आर एलिमिनेट। मतलब लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास के केस में हम क्या करते हैं, जो लिग्निन है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देन द रॉ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एंजाइमेटिक सैक्रिफिकेशन एंड द हाइड्रोलाइसेट फॉर्म्ड इज सब्जेक्टेड टू फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन। इन फेड बैच फर्मेंटेशन ऑल द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल सच एज कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स एंड अदर रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स आर एडिड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट रिमूवल ऑफ फर्मेंटेशन ब्रोथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फेड बैच फर्मेंटेशन में हम जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम क्या ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, और हम क्या नहीं करते, जो फर्मेंटेशन ब्रोथ है उसका रिमूवल नहीं करते, फेड बैच फर्मेंटेशन। This type of fermentation is specially useful to maintain low substrate concentration. जो fed-based fermentation process है वो क्या है, fermentation है जो कि specially हम किसके लिए use करते हैं, for maintaining the low substrate concentration by supplying nutrients to the fermentation culture which in turn reduce substrate inhibition. Third हम देखते हैं continuous fermentation। कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन के हम अंदर हम देखते हैं इन्वॉल्व एडिशन ऑफ फ्रेश मीडियम टू द फर्मेंटर व्हाइल विड्रॉइंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रोथ एट द सेम रेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फ्रेश मीडियम है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फर्मेंटर के अंदर व्हाइल विड्रॉइंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रोथ एट द सेम रेट। ड्यू टू दिस द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इज मेंटेन कॉन्स्टेंट। इससे क्या होगा, जो कंसनट्रेशन है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगी। कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन के हम एडवांटेजेस देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ये जो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है उसको प्रिवेंट करता है। लेस डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग लैग फेज। जो प्रोडक्टिविटी है उसके क्या होगा, उसके अंदर लेस डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द लैग फेज। इनोकुलेशन ऑफ कल्चर इज डन ओनली वंस। इसके अंदर हम इनोकुलेशन को, जो कल्चर है उसकी इनोकुलेशन एक ही बार करते हैं।
हाई प्रोडक्ट यील्ड कैन बी ऑब्टेन, इससे हमें हाई प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है प्रोवाइड मिलती है, सेव टाइम एंड इन्वॉल्व लेस लेबर वर्क, ये टाइम सेविंग होता है और इसके अंदर हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, लेस लेबर वर्क की ज़रूरत होती है। जो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है उसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि कॉन्टामिनेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड ऑपरेटर विद एक्सपर्टाइज। जो कॉन्टामिनेशन जो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है उसके अंदर कॉन्टामिनेशन के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं, और इसके अंदर हमें फील्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है और किसके साथ साथ वो एक्सपर्टाइज भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट रिकवरी बाय प्रेसिपिटेशन टेक्निक, सेपरेशन बाय प्रेसिपिटेशन इज द मोस्ट कन्वेंशनल प्राइमरी प्यूरिफिकेशन स्टेप इन द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन। जो सेपरेशन होता है प्रेसिपिटेशन से वो क्या है, मोस्ट कन्वेंशनल प्राइमरी प्यूरिफिकेशन स्टेप है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के अंदर बाय फर्मेंटेशन। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स, जो रिकवरी स्टेप है मतलब जो रिकवरी है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड्स है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफिकेशन एंड एवेपोरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन, एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द फर्मेंटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं फर्मेंटर के अंदर, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मेंटेनिंग द पीएच अराउंड 5 to 6, जो पीएच है उसको हम 5 से 6 तक रखेंगे, एंड प्रोड्यूसिंग ए कैल्शियम साल्ट ऑफ द एसिड दी कैल्शियम लैक्टेट, और प्रोड्यूस करेंगे कैल्शियम साल्ट ऑफ द एसिड दैट इज कैल्शियम लैक्टेट। If the lactic acid are not neutralized, the lactic acid bacteria would not be able to tolerate the high acidity developed and the fermentation would not continue to completion. Second, हम देखते हैं acidification and filtration. Sulfuric acid is added to precipitate the calcium sulfate or gypsum which is filtered. जो सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट के अंदर ऐड करते हैं, तो जो कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम है उनको वो क्या उनको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। सेंट्रीफिकेशन, इट रिमूव्स बायोमास इम्प्योरिटीज, इससे हम क्या करते हैं, जो बायोमास इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। Fourth is evaporation. The filtrate containing free organic acid is evaporated to obtain the pure lactic acid. जो filtrate है उसके अंदर free organic acids present होते हैं उनको हम क्या करते हैं, evaporate करते हैं for obtaining the pure lactic acid. अब हम एक overview सा देखते हैं purification process का। सबसे पहले हमने raw material लिया, उसके अंदर micro organisms ने क्या किया, act किया, फिर हमने fermentation की by the help of batch, fed batch और continuous fermentation. रिकवरी के अंदर हमने सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन किया, फिर हमने एसिडिफिकेशन किया और फिल्ट्रेशन किया, सेंट्रीफिकेशन किया, फिर उसके बाद हमने एवेपोरेशन किया, एवेपोरेशन के बाद हमने क्या किया, एवेपोरेशन से हमें प्योर लैक्टिक एसिड मिला, उसके बाद हमने उनकी क्या की, लैक्टिक एसिड की ड्राइंग की, और फिर उसके हमने क्या कर दी, पैकेजिंग कर दी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।